शास्त्री के खिलाफ उज्जैन में कलचुरी कलार समाज में हुआ लामबंद FIR की मांग की गई। आज दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम पर कलचुरी वंश के सभी वर्ग जायसवाल राय पोरवाल चौकसे मालविया आदि के प्रतिनिधि मंडल ने SP के नाम ज्ञापन सौंपकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध FIR की मांग की है। समाज के प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि पंडित शास्त्री ने हमारे समाज के आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु के विरुद्ध भद्दी टिप्पणी की, जिससे हमारी भावनाएं आहत हुई है। ऐसा ढोंगी बाबा जहां भी जाएगा हम उसका विरोध कर मुंह काला करेंगे। गौरतलब है कि कल रविवार को इंदौर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक टॉक शो आयोजित था, जिससे भारी बारिश के चलते कार्यक्रम निरस्त कर प्रशासन द्वारा बात कही गई थी। परंतु सूत्र ये भी बताते हैं कि निरस्त के पीछे एक कारण ये भी था कि समाज के लोग उक्त बयान से नाराज थे और अंदरूनी तौर पर कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन किया जाना तय हो चुका था। वंदे भारत से मनीष सोनी की रिपोर्ट। धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक ने जो शस्त्र भाव भगवान जो हमारे आराध्य देव है कलाल समाज कलचुरी कलाल समाज के, उनके खिलाफ जो टिप्पणी करी थी, हम सभी देश भर के कलचुरी कलाल समाज के लोग उसकी निंदा करते हैं और ऐसे कथावाचक पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो भगवान की टिप्पणी कर रहा है। उसको लेकर आज उज्जैन के जायसवाल समाज राय समाज चौकसे समाज सिंहरे जी कोरवाल समाज सभी घटक उन्होंने समाज के कलचुरी कलाल समाज के जितने भी हमारे घटक है वो सभी ने मिलकर आज SP साहब को ज्ञापन दिया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर करने की मांग की।